हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में जो है हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो इंपॉर्टेंट बैकबोन ऑफ फिजिक्स खत्म कर चुके हैं हम, वेक्टर चैप्टर, और आज जो करेंगे वो होगा कैलकुलस। ये सब टॉपिक जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स में आता है, फिजिक्स मतलब मैथ्स पढ़ाएंगे आज। आज हम क्या पढ़ाएंगे? मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं, लेकिन फिजिक्स में इसका इस्तेमाल, इसके बिना आप सांस नहीं ले पाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर याद है ना, मई का महीना, सेकेंड वेव, मई, याद है क्या वैल्यू था ऑक्सीजन सिलेंडर का? उसके बिना जान बचाना मुश्किल था। ठीक वैसा ही फिजिक्स में कैलकुलस जो है और वेक्टर, ये दोनों टॉपिक मिला के क्या हो सकता है? आप कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर है फिजिक्स, इसके बिना फिजिक्स सीखना पॉसिबल नहीं है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बोलो ना, नाम क्या हुआ? कृष्णा, क्रिस। देखिए, आइजक न्यूटन का नाम सुने होंगे, न्यूटनमा, ओके, आइजक न्यूटन साहब का नाम सुने होंगे, सम्मान करते हैं हम उनको, सॉरी, बोलिए ना, इट्स ओके, ओके, न्यूटन साहब और विलियम लेबनीज, दो महान साइंटिस्ट, दोनों मिलके डेवलप किए क्या? कैलकुलस। दोनों मिलके क्या डेवलप किए? कैलकुलस डेवलप किए। सबसे पहला चीज जो है, कुछ पहले टर्म है वो हमको आपको समझाना है। चलिए देखिए, सबसे पहला टर्म कैलकुलस। कैलकुलस के अंतर्गत दो चीज आता है, एक पढ़ना है आपको डिफरेंशिएशन और एक पढ़ना है इंटीग्रेशन। सब नया नया चीज है, नया नया टर्म है आपके, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्म है जो आपको समझना हो। ठीक, सबसे पहला बेसिक टर्म है व्हाट इज फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन वो पार्टी फंक्शन नहीं, फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन? सुनिए, वेरिएबल समझते हैं, जैसे y इज इक्वल टू, मैंने लिखा, एक मिनट, जैसे y इक्वल टू मैंने लिखा 2x, बोलिए y इक्वल टू मैंने क्या लिखा? 2x, ओके, इससे हाथ हटा के बैठो, गाल पे हाथ रखा तो चटाक देंगे, खींच, सब हाथ बेंच पे नहीं रखना है, सीधा बैठ जाइए, स्ट्रेट, स्मार्ट लगिएगा सब, ओके? अब देखो इधर ध्यान से, ये x क्या है? वेरिएबल। इधर x लिखते हैं, इधर y लिखते हैं, x 1 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा? बोलो ना, 2, x 2 होगा y कितना होगा? 4, x 3 होगा y कितना होगा? 6, x 10 होगा y कितना होगा? 20, x 100 होगा y कितना होगा? समझ में आ रहा है बात? x कुछ भी डालो y कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? x कुछ भी डालते जाओ, x 1 करोड़ डालेंगे तो y 2 करोड़ आएगा, है कि नहीं? क्या भैया जी, समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं, y का वैल्यू क्या हो जा रहा है? चेंज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब बदल कौन रहा है? y किसके बदलने से? x के बदलने से। कोई दिक्कत वाली बात? x इक्वल टू कुछ डाले तो y का कितना वैल्यू मिला? y का एक वैल्यू, क्या मिला? एक ही वैल्यू, सिंगल वैल्यू है ना,
एक्स इक्वल टू वन के लिए वाई टू के अलावा और कुछ संभव है? अरे यहां दो के अलावा और कुछ संभव है? एक्स इक्वल टू थ्री के लिए वाई सिक्स के अलावा और कुछ संभव है? एक्स के हर एक वैल्यू के लिए वाई का कितना वैल्यू है बोलो ना? सिंगल वैल्यू है। कैसा वैल्यू है? सिंगल वैल्यू है। एक्स इक्वल टू वन के लिए वाई का वैल्यू टू ही होगा, टू के अलावा कुछ और नहीं होगा। कोई दिक्कत? हाँ, टू ही होगा, टू के सिवा टू ही चाहिए, टू के सिवा कुछ नहीं चाहिए हमको, वो ही चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। सोच रहे हो? कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं? यूनिक, वही चाहिए हमको, वही पेन चाहिए हमको, वही कॉपी चाहिए हमको, वही शर्ट चाहिए, वही चाहिए, दूसरा वाला तो लेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं यूनिक, मतलब वही चाहिए, मतलब इसका दूसरा पीस संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ऐसा वाला चेहरा खोजने जाएंगे मिलेगा कहीं पूरी दुनिया में? सब अपने आप में क्या, ऐसा वाला चेहरा खोजने जाएंगे मिलेगा कहीं पूरी दुनिया में? ऐसा वाला चेहरा खोजने जाएंगे मिलेगा कहीं? ऐसा वाला चेहरा खोजने जाएंगे मिलेगा कहीं? ऐसा वाला 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 खोजने जाएंगे मिलेगा कहीं? अरे बोलो ना, ऐसा वाला भी नहीं मिलेगा कहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी को क्या बोलते हैं? यूनिक। सब अपने आप में क्या है? यूनिक है। तो क्या हम बोल सकते हैं एक्स के हर एक वैल्यू के लिए वाई का जो वैल्यू है वो यूनिक है? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोलो ना। एक्स के हर एक वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू क्या है? यूनिक, सिंगल है। क्या है? सिंगल है, यूनिक और फिक्स है। एक्स इक्वल टू वन के लिए वाई जो है वो टू ही होगा। कितना होगा? टू ही होगा। क्या एक्स इक्वल टू वन के लिए वाई थ्री हो सकता है? नो सर, नहीं होगा। क्या एक्स इक्वल टू वन के लिए वाई टेन हो सकता है, ट्वेंटी हो सकता है, हंड्रेड हो सकता है, दो सौ हो सकता है, दो हजार हो सकता है? एक्स इक्वल टू वन के लिए वाई कितना होगा? टू ही होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखिए, यहां एक्स और वाई के बीच तो कुछ कुछ तो है, कुछ तो है कि नहीं है? आप उसके पीछे काहे लगे हुए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, डिपेंड कर रहा है, सही है, सही बोल रहे हैं आप, हम एक बार सुने थे जो बोले थे। इतना क्लियर है? एक्स और वाई के बीच कुछ कुछ है कि नहीं? पक्की बात नहीं है, कुछ है। सर क्या है? दोनों के बीच क्या रिलेशन है सर? है ना, दोनों के बीच क्या रिलेशन है? तो y बोलता है किसको? x को। तुम बदलो तो हम बदल जाएंगे, तुम घटो तो हम घट जाएंगे, तुम बढ़ो तो हम बढ़ जाएंगे, तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे, तुम्हारे सिवा हम कुछ नहीं सुने। कौन बोलता है? y किसको? x को। x जैसे जैसे बदलता है y अपने आप को चेंज कर लेता है। चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस दोनों के बीच क्या है? रिलेशन है। इस दोनों वेरिएबल के बीच रिलेशन है। कैसा वाला रिलेशन है? कैसा वाला रिलेशन है? तो सुनिए ध्यान से, x और y के बीच ऐसा वाला रिलेशन है। बोलिए कैसा वाला? कैसा वाला? कैसा वाला? अच्छे से बोलो ना। x और y के बीच कैसा वाला रिलेशन? x और y के बीच ऐसा वाला रिलेशन, ऐसा वाला रिलेशन है। कैसा वाला रिलेशन है? कि x के हर एक वैल्यू के लिए y का सिंगल डिफिनिट मतलब क्या? फिक्स और यूनिक वैल्यू, ये तीन चीज है कि नहीं? कोई दिक्कत? x और y के बीच ऐसा रिलेशन है कि x के हर एक वैल्यू के लिए y का एक सिंगल डिफिनिट और यूनिक वैल्यू है। इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? y जो है वो x का क्या है? फंक्शन। y इज द फंक्शन ऑफ x। किसी दो वेरिएबल के बीच अगर ऐसा वाला रिलेशन हो कि एक के हर एक वैल्यू के लिए दूसरे का, एक के हर एक वैल्यू के लिए दूसरे का सिंगल डिफिनिट और यूनिक वैल्यू हो, इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे y इज द फंक्शन ऑफ एक्स। नहीं आया? जैसे देखो इधर वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, बताओ एक्स वन रखेंगे तो वाई कितना होगा? टू रखेंगे कितना होगा?
गलत मत बताना, 3 रखेंगे कितना होगा? अलेबुन। 10 रखेंगे कितना होगा? 25। ये क्या बोलता है? तुम बदलोगे तो हम, तुम बदल जाओ ना हम भी बदल जाएंगे, तुम बदल जाओ ना हम भी बदल जाएंगे, तुम बदल जाओ ना हम भी बदल जाएंगे, बोलो ना। हंसी? अरे वाह, इस दोनों के बीच कुछ कुछ है कि नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ तो है। वो क्या है, क्या है? यही यही है कि नहीं है? हाँ, इसके हर एक वैल्यू के लिए इसका सिंगल डिफरेंट और यूनिक वैल्यू है। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? वाई क्या है एक्स का? फंक्शन। वाई क्या है एक्स का? वाई क्या है एक्स का? वाई क्या है एक्स का? वी इज इक्वल टू लिखते हैं टी स्क्वायर। ये वी वेलोसिटी है, टी टाइम है। टीवी देखने वाला नहीं, टाइम 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी बताओ। बोलवे नहीं करेंगे। हो 3, 2, टाइम 2, 4, टाइम 3। गलत मत बन, तुम जो बोलोगे गलत सलत सब हम लिख देंगे। ये 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 ना होगा जी? ये भी करने नहीं आता है। टाइम की जगह पे 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18। कोई दिक्कत वाली बात? कुछ भी डालोगे कुछ कुछ तो आएगा ही, बोलो ना। अब इतना क्लियर है? क्या बोलेंगे यहां पे? टी किसका फंक्शन है, मतलब वेलोसिटी फंक्शन है किसका? टाइम। कोई दिक्कत? यहां क्या है? वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हैं इसको। क्या पढ़ेंगे? वाई इज द फंक्शन ऑफ, वाई इज द फंक्शन ऑफ, यहां क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टी। अब देखो बच्चा, देखो बच्चा, देखो बच्चा, हम लिख देते हैं साइन थेटा। यहां लिखो थेटा, यहां लिखो साइन थेटा। देखो थेटा 0 डिग्री, साइन थीटा बताओ। कौन बोला? 1। कितना होगा? 30 डिग्री बताओ। 45 डिग्री बताओ। 60 डिग्री बताओ। साइन थीटा क्या बोल रहा है? थीटा तुम बदल के तो देखो, हम भी बदल जाए, तुम बदल के तो देखो, हम भी बदल जाएंगे, बोलो ना। क्लियर है? कौन बदल रहा है? साइन थीटा। किसके बदलने से? थीटा के बदलने से। साइन थीटा का फंक्शन क्या है बताओ? थीटा। साइन थीटा का फंक्शन यहाँ पे क्या है? थीटा। थीटा। साइन थीटा का फंक्शन क्या है? थीटा। साइन थीटा का फंक्शन क्या है? थीटा। वाई का फंक्शन क्या था? वेलोसिटी का फंक्शन क्या था? भी टी। चलो नोट करो। कौन किसका है समझ में आया? फंक्शन। तुम बदल गए तो देखो, हम भी बदल। इसमें डायलॉग का सब सोचा डायलॉग के तो पैसा लेते हैं, डायलॉग नहीं बोलेंगे ना वहां पे, तुमको समझे भी नहीं। सवाल बनेगा, सवाल जैसे देंगे ना तो डायलॉग स्ट्राइक करना चाहिए मैं, तब सवाल समझना। नहीं तो किताब में तो सब कुछ लिखा हुआ है ना, आपके टीचर के पास बच्चे क्यों आते हैं? सीखने के लिए। सीखना है कि पढ़ना? पढ़ना है।
बस इतना जल्दी नोट कीजिए, आगे बढ़े। अब की बात मीना, सी द कंडीशन, सी द कंडीशन, सी बोलो मीना, तुम बदल के तो देखो, हम भी नहीं 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 बदलना बदलना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जा चलो देखो, देखिए घर गजब है आपका स्माइल, करोड़ों रुपया हम खर्च कर सकते हैं आपके स्माइल। Y is equal to, ध्यान से देखो, Y is equal to 2X plus 5, X क्या डालूं? 1, Y क्या होगा जल्दी बोलो, 2, ये दिए थे एग्जांपल क्या? अभी दिए थे, मतलब इतना आप समझ गए, फंक्शन को लिख सकते हैं इफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स देयर एक्सिस्ट a single definite and unique value of y, there exists a single definite and bolo na unique value of y, then y is said to be function of x। क्या इसको जाके रट लोगे घर में? रटना नहीं है, फंक्शन आप समझ गए ना एग्जांपल से, इसको रटना नहीं है, कॉपी में बस सजा लेना है, कभी अंग्रेजी अंग्रेजी बोलने का मौका आ गया बोल देना है ना। इफ करस्पॉन्डिंग टू एनी गिवन वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ सिंगल डेफिनेट एंड यूनिक वैल्यू ऑफ y, देन y इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ X, cut. क्लियर है? समय टाइम वेस्ट मत कीजिए, मिटा दे फास्ट, जल्दी से लिखिए, वही चीज लिखे जो समझाए उसको हम देखिए। Y is equal to f of x, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चा? Y is the देखिए फंक्शन of x, sft क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट है मान लेते हैं टाइम, क्या लिखेंगे? s इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ये एक्सेलरेशन है, ये देखो 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 ना, देखो ना, a इज द फंक्शन ऑफ टाइम, v f ऑफ t बोलो ना, v इज द फंक्शन ऑफ टाइम, नहीं आया समझ में? जल्दी
देखो ध्यान से देखो, हेलो, ये क्या है वाई, ये क्या है एक्स, ध्यान से देखना। कट, क्या खींच दिए, ग्राफ खींच दिए, क्या खींचे, ग्राफ खींच दिए। देखो ध्यान से देखो, एक्स का वैल्यू ध्यान से देखना, अरे पीछे वाले भैया देखिए ना, एक्स का वैल्यू कुछ, एक्स का वैल्यू कुछ होगा ना, अरे जीरो है तो वन टू थ्री फोर कुछ होगा ना, एक्स का वैल्यू कुछ, तो वाई का वैल्यू कुछ, ओके, एक्स का वैल्यू कुछ और, तो वाई का वैल्यू कुछ और, इसको थोड़ा सा ऊपर बना दिया हमने, एक्स का वैल्यू फिर कुछ और, तो वाई का वैल्यू फिर से कुछ और, एक्स का वैल्यू कुछ, वाई का वैल्यू कुछ, एक्स का वैल्यू कुछ, वाई का वैल्यू कुछ, एक्स का वैल्यू कुछ, वाई का वैल्यू कुछ, बोलो ना, एक्स का वैल्यू बोलो कुछ, कुछ भी बोलने नहीं आता है, बोलो, वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, मतलब एक्स को अगर हल्का सा भी चेंज कर दें, हल्का सा, महसूस कीजिए इस बात, आप खाली ऑनलाइन में कुछ कुछ कीजिए, समझ रहे हैं ना, एक्स का वैल्यू कुछ, कोई बैठे बैठे नहीं बोलेगा क्लास में, गर्मी ज्यादा है, गुस्सा हम लोग फिर कर रहे हैं। चलो उसको साइड कर, पर्दा साइड कर,
नहीं थोड़ा लाइट में प्रॉब्लम हो गया, लाइट नहीं है, ये स्मार्ट सिटी भागलपुर है। चलिए देखिएगा ध्यान से, ध्यान से सीखिए, लय को टूटने नहीं देना है, इंपॉर्टेंट है ना। हंसी मजाक में नहीं पढ़ना है, हम हंसी मजाक कर सकते हैं क्योंकि हमको सिखाना है, आप हमसे मत कीजिएगा। चलिए देखिए, हाँ तो बोल रहे थे x का वैल्यू कुछ तो y का वैल्यू कुछ, x का वैल्यू कुछ y का वैल्यू, x का वैल्यू कुछ तो y का वैल्यू कुछ, x जैसे जैसे चेंज हो रहा है y चेंज हो जा रहा है, क्या इस दोनों के बीच कैसा वाला रिलेशन है, y इज द फंक्शन ऑफ x, एग्जैक्टली y इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसा रिलेशन है कि नहीं इस दोनों के बीच, ये ग्राफ x और y के बीच फंक्शन के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके खींच दिए, खींच दिए, देखना ध्यान से, x का वैल्यू कुछ y का वैल्यू कुछ, x का वैल्यू हल्का सा चेंज कर, तो y का वैल्यू भी हल्का सा क्या हुआ चेंज कर गया, इतना क्लियर है, एक और रख दीजिए, x का वैल्यू और थोड़ा सा चेंज, तो y का वैल्यू फिर से चेंज हुआ, x का वैल्यू फिर चेंज किए, y चेंज हो गया, x का वैल्यू कुछ y का वैल्यू कुछ, x का वैल्यू कुछ y का वैल्यू कुछ, x का वैल्यू कुछ y का वैल्यू कुछ, x का वैल्यू कुछ और y का वैल्यू कुछ और, x का वैल्यू कुछ y का वैल्यू कुछ, एक भी x के लिए y जो है टैली नहीं करेगा, अलग 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 x के लिए अलग अलग वैल्यू है, देखो कहीं से बता दो x और y सेम है, यहां x के लिए जो y है यहां x के लिए वो y नहीं होगा, अलग होगा, है कि नहीं, ये भी कैसा रिलेशन है x और y के बीच, कैसा रिलेशन बोलो ना, फंक्शन, y इज द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन समझ में आया, आगे बढ़े, अभी हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले डिफरेंशिएशन, क्या पढ़ना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब समझना है छोटा करना, क्या करना छोटा करना, ये पेन है ना, ये पेन है, इसको बीच से काट दिए, कितने भाग में टूट जाएगा, फिर वो जो एक पार्ट मिला उसको फिर से कट कर दिए, फिर वो जो भाग मिलेगा आप पूरा जीवन भर काटते रहिए, काट रहे फिर आपका अगला पीढ़ी उसको काटते रहेगा, फिर उसका अगला पीढ़ी काटते रहेगा, काटते 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 काटते, समझ रहे कितना छोटा होगा, समझ रहे बात, पहले डब्बा वाला टीवी था, याद कीजिए था डब्बा वाला टीवी, पीछे ऐसे करके निकला हुआ रहता था, छोटा सा रूम रहता था, आधा रूम में टीवी रहता था, नहीं उसके बाद आया एलसीडी, हाँ फिर टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ, एलईडी आ गया, पतला सा एकदम दीवार में सटा दीजिए, अब देखिए फोन ही लीजिए ना, एक ही छोटा सा चीज में क्या है, रेडियो भी है, टीवी भी है, कंप्यूटर भी है, कैलकुलेटर भी है, अलार्म भी है, नहीं सब कुछ है कि नहीं है, एक छोटे से चीज में कितना सारा एप्लीकेशन उसमें समाया हुआ, ये सब क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन, छोटे छोटे, समझ रहे हैं, डिफरेंशिएशन में खत्म हो जाएगा सर, खट खट, क्या लिखते हो जी श्रेयांश कुमार, क्या लिख रहे हैं बोलिए, समझ में नहीं आ रहा है, चलिए देखिए इधर आगे शुरू करते हैं, एक चीज हमको और सिखाना है इससे पहले, क्या सिखाना है,
देखो इधर फिजिक्स में एकदम अंधेरा आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम अंधेरा आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं डेल्टा, इसको क्या बोलेंगे डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है बच्चा स्मॉल स्मॉल चेंज। अगर हम बोलेंगे डेल्टा एफ मतलब स्मॉल चेंज इन फोर्स, क्या बोलेंगे स्मॉल चेंज इन, पहले फोर्स आपका था 2 न्यूटन, अब बाद में फोर्स हो गया 5 न्यूटन, तो चेंज इन फोर्स कितना हुआ बच्चा F2 - F1 5 - 2 न्यूटन कितना हो जाए 3 न्यूटन। क्लियर बात, डेल्टा एफ बराबर क्या लिखेंगे F2 - F1। उसी तरह डेल्टा टी क्या लिखेंगे T2 - T1। डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे X2 - X1। डेल्टा वाई क्या लिखेंगे Y2 - Y1। डेल्टा भी क्या लिखेंगे V2 - V1। इतना क्लियर है, प्लीज नोट नोट कीजिए नोट कीजिए। मन से पढ़िए, एक एक चीज को समझते हुए पढ़िए, कंपटीशन कोई बड़ा चीज नहीं है। रेगुलरिटी कंटिन्यूस 2 साल अगर मेहनत कर दिए तो वो दिन दूर नहीं। जब आप अच्छे जगह पे होंगे, मिटा दें। चलो देखो ये क्या है, ये क्या है जूम, ये क्या है जूम है। वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। यहां एक पॉइंट कंसीडर करते हैं पी, क्या करते हैं पी, पी का कोऑर्डिनेट बताइए। ये यहां से यहां ये ओरिजिन है ना, ये कितना होगा नहीं एक्स, और ये कितना होगा वाई, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे X, Y। ओके अब X को हल्का सा चेंज कर देते हैं, कैसा हल्का सा चेंज कर देते हैं, करें X को हल्का सा क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, हल्का सा बहुत बहुत हल्का सा, इतना सा करना है, लेकिन हम इतना छोटा सा करेंगे तो आपको दिखेगा, इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा सा करते हैं। हम थोड़ा सा क्या करते हैं इतना चेंज करते हैं स्मॉल चेंज, तो क्या वाई बैठा हुआ रहेगा एक्स में, इतना चेंज किया, कितना चेंज किया, पहले एक्स यहां था अब यहां चला गया, एक्स में इतना चेंज किया, स्मॉल चेंज इन एक्स को किससे रिप्रेजेंट करें डेल्टा एक्स। तो क्या अच्छा ये इतना कितना है बताओ, तो ये क्या है इतना ये एक्स है, कुछ भी बोल देना है, ये तो वाई है ना, तब ना ये एक्स कॉमा ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स कॉमा वाई हो गया, तो ये वाई तो ये कितना, तो ये कितना, कोई दिक्कत वाली बात, ये डेल्टा एक्स तो ये कितना
x में डेल्टा x का चेंज किए तो y में कितना का चेंज हुआ, देखो देखो कितना का हुआ, बोलो ना डेल्टा y। ये पॉइंट क्या मिलेगा, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, q, q का कोऑर्डिनेट बताओ क्या, कुछ भी बोल देना है, कोऑर्डिनेट यहां से नापते हैं कि ओरिजिन से नापते हैं, तो ओरिजिन से यहां डेल्टा x है, x प्लस डेल्टा x, फिर यहां यहां से यहां नाप कितना y प्लस डेल्टा y, q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y, किसको यहां तक समझ में नहीं आया, किसको यहां तक समझ में नहीं आया बताओ जल्दी, कुछ मत बोलो हां या ना, आ गया, किसी को कोई परेशानी है, p का जो कोऑर्डिनेट होगा x कॉमा y, q का जो कोऑर्डिनेट होगा x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y, क्लियर है, कोई पूछेगा चेंज इन x, चेंज को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल चेंज को, तो डेल्टा x, चेंज इन x कितना होगा, अरे x में कितना का चेंजिंग आया डेल्टा x, y में कितना का चेंजिंग आया, चेंज इन y कितना हो जाएगा डेल्टा y, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो चेंज इन x निकालने के लिए, चेंज इन x के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करो, फाइनल x कितना है, फाइनल x कोऑर्डिनेट यही है ना, ये इनिशियल है, इसमें इसको क्या करो x2 माइनस x1 बताए थे, चेंज इन x क्या होगा, x2 माइनस x प्लस डेल्टा x माइनस x, भज कितना आ गया चेंज इन x, आया कि नहीं आया, चेंज इन y, y प्लस डेल्टा y माइनस y, भज कितना आ गया डेल्टा y, आया कि नहीं आया बताओ, यहां तक क्लियर है, अब देखिए हम किस पे जोर दे रहे हैं, किस वर्ड पे, चेंज पे, किस पे, चेंज पे, कौन चेंज कर रहा है, y, किसके चेंज होने से, x के चेंज होने से, ओके, ऐसे सोच सकते हैं, सब्जी खरीदने गए, रेट पूछे, क्या पूछते हैं, रेट, क्या पूछते हैं, रेट, ये वर्ड भी यूज करेंगे, रेट, क्या रेट, वो बोली 20 रुपया, 20 रुपया मान लेते हैं केजी, कोई दिक्कत क्या, 20 रुपया हम क्या उसका पूरा जितना रखा हुआ है सब उठा के लेके आ जाइएगा, 20 रुपया में 1 केजी मिलेगा, 40 रुपया में 2 केजी, फिर 3 केजी का दाम, 4 केजी का, 5 किलो का, 6 किलो का, 7 किलो का, आगे बोलते रहो, ऐसे चेंज करेगा, कौन बदल रहा है, रेट, किसके बदलने से, केजी के बदल, अमाउंट बदल रहा है तो रेट चेंज कर रहा है, नहीं अगर 1 किलो लेंगे 20 रुपया लगे, 2 किलो लेंगे 40 रुपया लगे, 3 किलो लेंगे 60 रुपया लगे, किलो के बदलने से रेट बदल रहा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, वह इसी की तरह हो रहा है कि नहीं, एक्स के बदलने से वाई बदल रहा है, जैसे पेट्रोल का रेट 2014 मान लेते 60 रुपया लीटर था, फिर 65 हुआ, 70 हुआ, 75 हुआ, 80 हुआ, 85 हुआ, 90 हुआ, 95 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, कौन टाइम के बदलने से क्या बदल रहा है, पेट्रोल का रेट बदल रहा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, कौन चेंज हो रहा है, पेट्रोल का रेट, किसके बदलने से, 2014 से 2020, अगर 2020 नहीं आया होता तो रेट तो वही होता, अगर 2014 की बात करें तो रेट क्या कितना, 60 है, समय बदला तो रेट बदला, बदल कौन रहा है, पेट्रोल का प्राइस, किसके बदलने से, टाइम के बदलने से, पेट्रोल का प्राइस किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, अरे बोलो ना, इतना क्लियर है, चेंज किसका, चेंज
किसका चेंज? Y का चेंज, किसके रिस्पेक्ट में? X के रिस्पेक्ट। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है? अब देखिए और एक बात, बाइक निकाले घर से, स्टार्ट किए, जब स्टार्ट नहीं किए हैं तो वेलोसिटी कितना है? स्टार्ट किए, एक सेकंड बाद वेलोसिटी 2, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी 4, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेट कर दिए, 4 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद वेलोसिटी हो गया 20, 10 सेकंड बाद वेलोसिटी हो गया 100, कौन बदल रहा है? वेलोसिटी किसके बदलने से? टाइम के बदलने से। वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का। तो वेलोसिटी का, वेलोसिटी क्या बोलेंगे, वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट। वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट। वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होने का कुछ ना कुछ रेट होगा कि नहीं? कुछ ना कुछ रेट होगा। रेट किस दर से बदल रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई टू एक्स की, अभी नहीं पता चलेगा कि हम क्या बोले जा रहे हैं, क्या बोले जा रहे हैं। जब 2 लेक्चर कंप्लीट करेंगे तब इसका कंक्लूजन आएगा आपके सामने, ऐसे लगेगा हो क्या रहा है। अच्छा मान लीजिए चेंज हो गया, चेंज होने से क्या हो गया अभी आपको नहीं पता चले, 2 क्लास लगेगा। रेट ऑफ चेंज, कौन बदल रहा है? वाई बदल रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। किस दर से बदल रहा है, किस रेट से बदल रहा है, कैसे बदल रहा है? बदलने का दर होता है कि नहीं होता है, कि जल्दी जल्दी बदल रहा है कि धीरे धीरे बदल रहा है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बोलो ना। किसके चेंज होने का रेट? वाई के चेंज होने का रेट किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। रेट बराबर होता है, रेट बराबर होता है, रेट बराबर होता है स्लोप। रेट बराबर क्या होता है? स्लोप। सुने हो कभी? स्लोप बराबर क्या होता है? स्लोप बराबर क्या होता है? नहीं पढ़े हैं 9th-10th में क्या? कोऑर्डिनेट सब नहीं पढ़े हैं? स्कूल गए कहाँ है जो पढ़िएगा? 10th में गए हैं स्कूल? स्लोप बराबर क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला बताओ, पी बाय डी। अब यहां देखो ये कर्व है, इस पे टेंजेंट खींच दिए, ऐसे टेंजेंट खींच दिए, ये है 90 डिग्री, ये है थीटा, यहां परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा, क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये जो मिला क्या मिला, ये जो मिला क्या मिला? रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें एक और वर्ड जोड़ेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग, क्यों इतना हंस रही है वो लोग, इसको बोलते हैं एवरेज। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको क्या बोलेंगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी यहां तक क्लियर है? इतना बस दिमाग में सेट करना कि डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, किसके बदलने का दर? वाई के बदलने का दर किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट। y के बदलने का दर किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अच्छा रेट बराबर क्या होता है, स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल यहां पे दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, अब आइए क्या बेस क्या हो जाएगा? डेल्टा y / डेल्टा x, इसी को क्या बोल दिया? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। नोट कीजिए, इट्स हॉट।
आगे बढ़े बोलिए, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, बोलो ना। सबसे छोटा वाला चाहिए, क्या चाहिए? सबसे छोटा वाला। हमको क्या चाहिए? डिफरेंशिएशन मतलब क्या? छोटा करना। डिफरेंशिएशन मतलब क्या? सबसे छोटा। डिफरेंशिएशन मतलब क्या? सबसे छोटा। अब देखना, अब बहुत जबरदस्त बात बोलने वाले हैं, बहुत जबरदस्त। चलिए देखिए, अभी तक हमको क्या मिला? मुझे मिला, मुझे मिला डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, बहुत छोटा। कितना छोटा भी अब देखिएगा, कितना छोटा, हम सही बोल रहे हैं, बहुत छोटा, हद से ज्यादा छोटा। स्मॉलेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, हम लोग को क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए? अच्छा, ये टॉपिक का क्या नाम है? तो लिखे ही नहीं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डीवाई बाय डीएक्स। जानते हो डीवाई बाय डीएक्स कितना, इतना का जिंदगी परेशान कर दिया, सबको समझ में नहीं आता ये सब चीज। पता नहीं तुम लोग में से कितने को आएगा। क्या समझना है हम लोग को? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डीवाई बाय डीएक्स। ये क्या चल रहा है? डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, या इसको बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, या इसको क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएशन। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए? सबसे, सबसे छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, सबसे छोटा। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए? सबसे छोटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, हमको सबसे छोटा चाहिए, हमको सबसे क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए हमको।
तो इसके लिए डेल्टा वाई को भी क्या होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा छोटा। अरे ई भी छोटा होगा, ई भी छोटा होगा तब ना छोटा 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 आएगा। नहीं समझे, समझे? हमको डेल्टा वाई को क्या करना पड़ेगा, छोटा। डेल्टा एक्स को भी क्या करना पड़ेगा, छोटा। तब ना छोटा बटे छोटा छोटा हो। अरे आया रे, आया रे, हिला देते हैं। ये क्या होता है, क्यों नहीं चल जल रहा है, क्यों नहीं चला जी? सब रूम में चल रहा है, ज्यादा धड़फड़ करोगे जिस चीज में उन्हें चलता है। देखो नहीं चल रहा, नसीब मेरा बड़ा खराब है, लेकिन जानते हो हम अगर 2 लाख 2 लाख के बराबर मेहनत करते हैं तब हमको 1 लाख रुपया। अगर हम मतलब कोशिश करेंगे कि लाइट के स्पीड से पंखा चलाएं तो वो जो है एकदम 2 साल में चलेगा। ये सेंस था बोलने का, नहीं चलेगा नहीं। उधर वाला चलाइए तो उनको सही से पढ़ाने नहीं दिया कैलकुलस आज। लाइट बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। चलो देखो आप, यही चीज लाइट में पढ़ाते ना ज्यादा समझ। इतना क्लियर है तो डेल्टा वाई को क्या होना पड़ेगा, छोटा। डेल्टा एक्स को भी क्या होना पड़ेगा, छोटा। छोटा बटे छोटा, हमको चाहिए सबसे छोटा। क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट। चलो देखो ध्यान से, अब इसको हम छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए क्या करना होगा जानते हैं, पी क्यू के क्यू की तरफ देखा, पी क्यू को क्या बोला, ए क्यूब, पास आओ ना। कौन बोला, पी किसको, क्यू को, क्या बोला, पास आओ। क्यू बोला लो आ जाते हैं। हल्का सा पी क्यू जो है पी के करीब आ गया। ध्यान से देखिएगा सब चीज को, एक एक चीज को एकदम बारीकी से समझिएगा। क्यों क्या किया, पी के हल्का सा करीब आया, सब कुछ हो रहा है एकदम हल्का हल्का, धीरे धीरे। कैसे हो रहा है, धीरे धीरे। देखो देखो ध्यान से, हम जो बोल रहे हैं वो हुआ कि नहीं हुआ। देखो क्यों जैसे करीब आया, देखो देखो डेल्टा एक्स थोड़ा सा छोटा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। डेल्टा वाई भी थोड़ा सा छोटा हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर से रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट बराबर क्या होता है, स्लोप। स्लोप बराबर क्या, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या, पी बाई बी। पी बाई बी बराबर क्या, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। थोड़ा सा छोटा बटे थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, सबसे सबसे छोटा वाला चाहिए। हमको थोड़ा सा छोटा नहीं चाहिए, हमको सबसे छोटा चाहिए। कोई दिक्कत, सुनो नहीं तो फिर वही ना, काइनेमेटिक समझ में ही नहीं आता है ना बच्चा को। उसके बाद क्या है, तो सबसे छोटा चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा वाई को और छोटा होना पड़ेगा, डेल्टा एक्स को भी और छोटा होना पड़ेगा। फिर पी किसको अप्रोच किया, क्यू को, ए क्यू आओ ना, कोई दिक्कत, क्यू वाला लो आ जाते हैं। हल्का सा आ गया क्यू, जैसे जैसे पी के करीब आएगा, क्यों जैसे जैसे पी के करीब आएगा, डेल्टा एक्स वैसे वैसे छोटा होता जाएगा।
और डेल्टा वाई तो है ही दीवाना डेल्टा एक्स का, क्या बोलता है डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स जैसे छोटा होगा डेल्टा वाई खुद बोलता है कि तुम छोटा होगे तो हम छोटे हो जाएंगे, तुम बड़ा होगे तो हम बड़े हो जाएंगे। तो क्यों जैसे करीब आया देखिए क्या हुआ, डेल्टा एक्स क्या हुआ और छोटा हुआ कि नहीं हुआ, डेल्टा वाई भी और छोटा हो गया कि नहीं हो गया। फिर वही चीज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर स्लोप बराबर टेन थीटा बराबर पी बाई बी बराबर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, थोड़ा सा छोटा बटे थोड़ा सा और छोटा, थोड़ा सा छोटा मिला, लेकिन हमको क्या चाहिए सबसे छोटा वाला चाहिए। क्या चाहिए सबसे छोटा वाला, अरे चाहिए कि नहीं चाहिए, सबको चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या चाहिए सबसे छोटा वाला चाहिए, बोलो ना। इतना क्लियर है? अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, ए हेलो हमको क्या चाहिए बोलो ना, सबसे छोटा वाला चाहिए, सबसे सबसे। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, डेल्टा वाई को भी और छोटा, डेल्टा एक्स को भी और छोटा, फिर पी किसको पकड़ा, क्यू को बोला है क्यू, वैसे मत करो ना, आओ ना थोड़ा सा, क्यू क्या किया और करीब आया, और करीब आया, क्यू और करीब आया तो मेरा काम हुआ कि नहीं, थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा छोटा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ बोलो ना, डेल्टा एक्स भी थोड़ा सा छोटा हुआ, डेल्टा वाई भी थोड़ा सा छोटा हुआ। अब अगर करेंगे ये देखो ये 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 कर्व है, इस पर टेंजेंट खींचे इसे थीटा दिए, दिए कि नहीं दिए, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, फिर से वही करोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर स्लोप बराबर टेन थीटा बराबर पी बाई बी बराबर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, थोड़ा सा छोटा बड़े थोड़ा सा छोटा हमको मिल गया, थोड़ा सा छोटा, बोलो ना क्लियर है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो भाई चाहिए सबसे छोटा, चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोग को नहीं चाहिए, सबको चाहिए ना, सबको चाहिए ना, क्या चाहिए सबसे छोटा स्मॉलेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पी क्या करेगा, किसको पकड़ेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, ए क्यू पास आओ ना, कोई दिक्कत, क्यू क्या करेगा हल्का सा, क्यू भी तेज है धीरे धीरे आता है, क्यू थोड़ा सा और पास आया, पास आया तो क्या हुआ बोलिए ना, डेल्टा एक्स और छोटा हुआ, डेल्टा वाई भी और छोटा हुआ, फिर से वही चीज बोलिए बोलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x is equal to slope is equal to tan theta is equal to p by b is equal to delta y by delta x, थोड़ा सा छोटा बटे थोड़ा सा छोटा, मिल गया छोटा, हमको क्या चाहिए सबसे छोटा, बोलो ना क्या चाहिए सबसे छोटा, क्या करेगा p, क्या बोलेगा क्या बोलेगा, ऐ क्यू कभी नूनू कांता है कभी बाबू रोता है पढ़ाया होगा, क्या बोलेगा ऐ क्यू पास आओ ना, कोई दिक्कत, देखिए मेरा टॉपिक ही ऐसा है ना कि हम आपको इंटरेस्टिंग से नहीं बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, हमको बोलिए हम कैलकुलस में बहुत जगह यही होता है फॉर्मूला लिख दिया जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, टेन का डिफरेंशिएशन, उससे क्या होगा आपको फील आएगा क्या, पढ़ाई का क्या चाहिए फील चाहिए, फिजिक्स में लगना चाहिए, हम बोलेंगे जब काइनेमेटिक्स में हम एक्सीलरेट कर रहे हैं आपको लग रहा है एक्सीलरेट कर रहे हैं हाँ, अंदर से फील आना चाहिए, हाँ सर ऐसा हो तो रटना नहीं ना पड़ेगा, ऐसे रटते रहिए, सिलेबस इतना है कि रट ही नहीं पाइएगा, क्यों और पास आया बच्चा, क्यों और पास आया, डेल्टा वाई और छोटा हो गया, डेल्टा एक्स भी और छोटा हो गया, फिर से वही चीज बोलो बोलो तुम लोग बोलो,
रेट बोलो ना सब जी, बोलो रेट ऑफ, वैसे नहीं वैसे नहीं, मेरे पीछे बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय बोलो डेल्टा वाई बाय इज इक्वल टू थोड़ा सा छोटा बोलना है, इज इक्वल टू थोड़ा सा छोटा बटे थोड़ा सा छोटा, छोटा बटे छोटा, हमको मिला छोटा, लेकिन हमको क्या चाहिए? पी किसको पकड़ा? आप भी सोच रहे होंगे सर क्या पकड़ लिए, क्या चीज बार बार बोल रहे हैं ना, अच्छा धंधा है सर का, नहीं चाहिए, क्यों को पकड़ लिया, बोला क्या बोलेगा है कि, वैसे नहीं है कि, तो क्यों क्यों क्या करेगा, पी जो है इसको क्यों क्या कर रहा है, पी की तरफ अप्रोच, फिजिक्स के लैंग्वेज उसको ऐसे बोलेंगे, हम बोल रहे हैं आम भाषा में पास आओ ना, फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, क्यों अप्रोच कर रहा है किसके तरफ, पी की तरफ, कोई दिक्कत, वो टर्म अभी देंगे जो फिजिक्स में यूज होगा, डेल्टा एक्स क्या हो गया और छोटा, डेल्टा वाई पहले डेल्टा वाई देखे ना इतना था, इतनी गोका हो छोटा हुआ कि नहीं हुआ, अब फिर से वही चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू बराबर 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 डेल्टा वाई बाय बराबर थोड़ा सा छोटा बटे थोड़ा सा और छोटा, मिलेगा छोटा, लेकिन हमको क्या चाहिए, आ रहा है समझ में, कोमल कोमल ने खुशी, हाँ क्या करेगा पी, थोड़ा सा और साथ दो, क्यों और पास है, डेल्टा एक्स और छोटा हो, डेल्टा वाई भी और छोटा, फिर से वही कहानी, वही मौसम, बोलो ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अरे यार बोलो, बोलते बोलते मेरा गला खराब हो गया, मेरा गला ऐसा नहीं था, क्लियर आवाज निकलता था, सुबह 5 बजे से उठ के बोलना चालू कर देते हैं, इतना स्पीड में बोलते हैं, फीलिंग्स के साथ बोलते हैं, गला तो खराब होना है, रात के 8 बजे तक बोलते रहते हैं, 8 बजे के बाद भी कभी कल मन होता है तो बोल देते हैं, समझ रहे हैं, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, बोलो स्टार्ट करें, हाँ फिर से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर स्लोप बराबर टान थीटा बराबर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बराबर पी बाय पी जो भी है, छोटा बड़े छोटा, हमको क्या चाहिए, थैंक यू, हे बोलो ना, क्यों और पास आए, क्यों क्या किया, और पास आए, डेल्टा एक्स ऑल छोटा हो गया, डेल्टा वाई भी ऑल छोटा हो गया, फिर से वही कहानी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर, प्लीज अभी छोड़ दीजिए 10 मिनट, प्लीज 10 मिनट बाद दे रहे हैं, बराबर स्लोप बराबर टेन थीटा बराबर डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, खट 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 खट, कोई दिक्कत, अब क्यों इतना करीब आ गया है पी के, इतना करीब आ गया है कि आप सोच भी नहीं, बहुत ज्यादा कर, ध्यान से समझिएगा, ये चीज बहुत बारीकी वाला चीज है, नहीं तो एवरेज इंस्टेंटेनियस समझ में ही नहीं आएगा काइनेमेटिक्स में, पढ़े होंगे ना एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सब पढ़े हैं ना, उसी का काम है, गजब बताएंगे, कोई दिक्कत, अब पी जो है अभी अभी मेन चीज आया है, 100 करोड़ वाला एकदम आ गया है, देख लो आ गया खुल गया आपके सर में पहली बार, देखो इधर क्यों क्या किया, क्यों अब पी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है, बहुत ज्यादा, पी जो है क्यू के, सॉरी कौन कौन कौन, क्यू पी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है, अब अगर करीब लाए ना पी जो है क्यू के ऊपर चढ़ जाएगा, पी ये है ना क्यू पॉइंट भी इसी पे हो जाएगा, पी और क्यू यही हो जाएगा, बोलो ट्रायंगल बनेगा, P बराबर Q हो गया,
P बराबर क्या हो गया Q. ए हेलो तुम लोग भी हो जी फील फील नहीं 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 उतना फील मत करो हाँ हिसाब से बर्दाश्त हो सके उतना है देखो इधर P बराबर क्या लिख देंगे Q जो P है P Q के ऊपर है मतलब जो पॉइंट P है वही पॉइंट Q है P अगर Q के बराबर हो गया तो डेल्टा X क्या डेल्टा X क्या हो जाएगा डेल्टा X जीरो हो जाएगा घटते 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 कुछ बचा ही नहीं ना जीरो हो गया डेल्टा Y भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात अब हम फिर से वही कहानी वही मौसम वही कहानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर स्लोप बराबर 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 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर जीरो बाई जीरो आया क्या हमको जीरो चाहिए था क्या नहीं चाहिए था हमको जीरो हमको तो चाहिए था सबसे छोटा वाला जीरो मतलब तो हो गया कुछ नहीं खत्म हमको चाहिए था कि नहीं चाहिए था चाहिए था ना लेकिन यहां मिलेगा क्या जीरो बटे जीरो कहानी गंदा हो गया ना अरे बोलो ना चाहिए था कि नहीं चाहिए था हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए था हमको जीरो नहीं करना था ठीक है इसीलिए यहां एक अलग चीज आया यहां एक अलग चीज इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोलते हैं लिमिट क्या बोलते हैं लिमिट लिमिट ऑफ अ वेरिएबल यहां क्या करना है क्या P को Q को P पे चढ़ा दे तो काम बन रहा है काम गड़बड़ हो रहा है काम गड़बड़ सीधा बैठ जाओ सब लटक के क्या बैठ रहे हो P Q को P पे चढ़ा देते हैं क्या काम क्या हो रहा है काम क्या हो रहा है बोलो ना काम क्या हो रहा है गड़बड़ सर ऐसे कैसे चलेगा सर ऐसे नहीं चलेगा तो सुनो हम क्या बोले ए Q Q पे लिमिट लगाए ए Q तुम P के ऊपर नहीं चढ़ो तुम Q के पास जा सकते हैं मतलब Q को बोले कि तुम P के पास जा सकते हो बहुत ज्यादा करीब जा सकते हो हद से ज्यादा करीब चले जाओ लेकिन उसके ऊपर मत जाओ उसके ऊपर जैसे तुम जाते हो डेल्टा एक्स क्या हो जाता है मेरा डेल्टा वाई क्या हो जाता है अब मेरा कहानी क्या हो जाता है गंदा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरा कहानी क्या हो जाता है गंदा तो तुम जो है उसके ऊपर नहीं चढ़ोगे तुम जो है उसके उसके पास जाओ क्यों क्या करो उसी उसी को उसी को उसी को उसी को फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं क्यों इसको ऐसे बोलेंगे इक्वल टू का मतलब हो जाता है बराबर पी जो पी है वही क्यों है इसमें क्या करेंगे क्यों इसको बोलते हैं टेंड्स टू पी क्यों टेंड्स टू पी मतलब क्या क्यों और पी बराबर है क्यों पी के बहुत ज्यादा करीब क्या है बहुत ज्यादा करीब अगर क्यों पी के बहुत ज्यादा करीब होगा ये P है ये Q है ये इस ट्रेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा ये Q है ये P है Q P के बहुत ज्यादा करीब है तो डेल्टा X जो होगा वो जीरो नहीं होगा जीरो की तरफ टेंड्स करेगा टेंड मतलब जीरो के बहुत ज्यादा करीब है लेकिन जीरो अगर डेल्टा X इसका मतलब तो हो गया डेल्टा X जीरो है इसका मतलब जीरो नहीं है कुछ तो है लेकिन जीरो के बहुत ज्यादा क्या है करीब अगर डेल्टा एक्स जीरो के बहुत ज्यादा करीब होगा तो डेल्टा वाई भी जीरो के बहुत ज्यादा क्या होगा करीब होगा यार इस चीज को तुम ऐसे समझ सकते हो 2008-10 में 10-11 में देखे थे एक सिंग इज किंग सिनेमा देखे थे सिंग इज किंग द बिलिंग इसमें कौन थी अक्षय कुमार कौन थी कैटरीना कैफ थी एग्जाम्पल ले रहे हैं बस कैटरीना कैफ थी उसको कौन लॉन्च किया था सलमान खान कोई दिक्कत वाली बात फिर दोनों में खटपट हुआ फिर कुछ दिन बाद सलमान खान एक उसी के चेहरे का आदमी लॉन्च किया जिससे उसका फेस मिलता जुलता है इसका नाम याद है जरीन खान नहीं जानते हैं जानते हैं बोला जाता है कि उसका फेस उससे हल्का हल्का क्या हम क्या बोलेंगे कि जरीन खान इक्वल टू कैटरीना कैफ बोलेंगे क्या
क्या जरीन खान कैटरीना कैफ है? नहीं सर। या क्या बोलेंगे, जरीन खान टेंड्स टू कैटरीना? नहीं समझ में। टेंड्स टू की बराबर, टेंड्स टू की बराबर क्या जरीन खान कैटरीना कैफ है? नहीं, जरीन खान कैटरीना कैफ नहीं है सर, लेकिन जरीन खान कुछ तो है। वो है कुछ ऐसा चीज है जो कैटरीना के बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा क्या है, करीब है। मतलब कैटरीना से उसका फेस मिलता जुलता है, एकदम नहीं है, मिलता जुलता मतलब करीब है, उसके फेस के करीब। समझ रहे बात को? यहां क्या बोलेंगे, टेंड्स। यहां नहीं बोलेंगे इक्वल, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंड्स टू क्या हो जाएगा। सही, इतना क्लियर है? लिमिट का मतलब क्या होता है? कोई भी वेरिएबल का वैल्यू क्या जीरो हो या जीरो के बहुत ज्यादा करीब, जीरो हो या जीरो के बहुत ज्यादा करीब, जीरो के बहुत ज्यादा करीब होते, इसी को बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं? लिमिट। क्या बोलते हैं? लिमिट। इसे मिटा दो। इतना क्लियर है? समझ गए उस एग्जांपल से? कुछ समझ में आया? बाकी इसको कंक्लूड अभी क्या बताने वाले थे, सबसे छोटा वाला हमको कहां मिला नहीं मिला, वो सब बताएंगे कल के क्लास में। पर बर्डन ज्यादा हो जाएगा नहीं, इतना सब कुछ माइंड में है, क्या घर जाके रटना पड़ेगा? फिर से एक बार लेक्चर देख लेना रिकॉर्डिंग वाला। ओके ठीक है, बाय।